आज की जो वर्ड फैमिली है वो है ए बी एब अस रीड द वर्ड्स विद द बी एब वर्ड फैमिली क एब कैब द एब फ एब फैब ग एब गैब जब जैब ल एब लैब न एब नैब ट एब टैब अब हम जो एक्टिविटी हर वीडियो में करते हैं हर टाइम प्रैक्टिस करने के लिए करते हैं वो है सर्कल करना वर्ड फैमिली को हम सर्कल करेंगे और साथ में बोलेंगे एब, एब 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 और कॉन्सोनेंट के साउंड भी आपको धीरे धीरे क्लियर होते जा रहे होंगे क्योंकि सारे जितने भी लेसन आ रहे हैं वो सारे लेसन में अलग अलग कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं तो आपको के साउंड भी साथ साथ में क्लियर होते जा रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल एब कैब तो सी का साउंड डब डैब सो डी का साउंड ड है ओके okay? नाउ इसकी डिकोडिंग देख लेते हैं कैब डैब फैब गैब जैब लैब Nab एंड टैब इसकी मीनिंग देख लेते हैं ये सारे वर्ड्स की मीनिंग क्या है एब मीन्स एब जो हमारा पेट का नीचे का हिस्सा होता है उसे हम एब बोलते हैं जैसा आपने कई बार सुना होगा सिक्स पैक एब्स ओके एब्स मतलब पेट सिक्स पैक एप्स मतलब छः भाग में बना हुआ एब उसको हम सिक्स पैक एप्स बोलते हैं नाउ कैब कैब मीन्स कार डैब डैब मीन्स पैटिंग करना थपथपाना देन फैब फैब मीन्स फैबुलस फैबुलस जो है ये इसका शॉर्ट फॉर्म फैब होता है जैसे कि हम बोलते हैं कि यू आर लुकिंग फैब तो उसका मतलब होता है यू आर लुकिंग फैबुलस मीन कि बहुत अच्छे लग रहे हो आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो इसी तरह ऐप का यहाँ पर एब था इसी तरह यहाँ फैबुलस का फैब है देन आफ्टर गैप गैप मीन्स टॉकिंग कंटिन्यूसली हमेशा लगातार बातें करते जाना उसको गैप बोलते हैं नाउ जैब जैब का मतलब होता है पोक sharply जब कोई पोक sharply का मतलब होता है कोई किसी चीज़ को चुभा रहा है हमारे हैंड uh, पे या फिर हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट पर चुभने की जो प्रक्रिया होती है उसको पोकिंग बोलते हैं और sharply मतलब कि किसी फॉर एग्जाम्पल पेंसिल की जो निब होती है लीड होती है उससे जब कोई आपको चुभा रहा है उस तरह की चीज़ को हम जैब बोलते हैं देन लैब लैब मीन्स लेबोरेटरी जैसे साइंस लैब बायो लैब ओके और फिर टेस्ट भी हम देने जाते हैं कई जगह पर लाइक ब्लड टेस्ट जहाँ हम देने जाते हैं वो लैब होता है लेबोरेटरी लेबोरेटरी मीन्स कि जो जहाँ पर टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरी का शॉर्ट फॉर्म है लैब नाउ नैब नैब मीन्स ग्रैप करना किसी चीज़ को पकड़ लेना देन आफ्टर टैब टैब मीन्स टैबलेट टैबलेट Uh, कौन सा टैबलेट जैसे uh, जो हम मोबाइल फोन से थोड़ा बड़ा होता है पर लैपटॉप से छोटा होता है दैट इज कॉल्ड टैबलेट उस पर आजकल uh, पढ़ाई करने के लिए भी बहुत लोग यूज करते हैं वर्क करने के लिए भी बहुत लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड टैब ओके सो इन सारे वर्ड्स की आपको प्रैक्टिस करनी है किस तरह प्रैक्टिस करनी है वो एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ यू हैव टू राइट राइट डाउन लाइक दिस ओके एंड यू हैव टू प्रैक्टिस द वर्ड्स बाय राइटिंग इट टाइम टू टाइम ओके अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर नहीं होगा और आपको वर्ड्स अच्छी तरह से लर्न नहीं रहेंगे सो so, ये स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आपके फॉर uh, एग्जाम्पल अगर आपने दस मिनट का वीडियो देखा या पंद्रह मिनट का वीडियो देखा उतनी देर में आपको इतने सारे वर्ड्स क्लियर हो गए हैं बट आपको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ वो है प्रैक्टिस सो प्रैक्टिस 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 कीजिएगा तो फिर वो चीज़ आप कभी भी आगे भूलेंगे नहीं और एक दिन प्रैक्टिस करने के बाद उसको दूसरे दिन रिवाइज कीजिए ताकि वो आपके माइंड में पूरी तरह से सेट हो जाए अगर घर में कोई डिक्टेशन लेने वाला पर्सन हो तो उसके उसको बोलिए कि वो डिक्टेशन ले डिक्टेशन कैसे लेना है फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कैब और आप लिख रहे हैं कैब बिना देखे दैट इज कॉल्ड डिक्टेशन ठीक है तो और उसके बाद आपको चेक करना है या चेक करवाना है किसी से कि आपने जो लिखा है वो सारे वर्ड सही हैं या नहीं अगर सारे वर्ड सही हैं तो इट्स वेरी गुड और अगर कुछ रॉन्ग आता है तो उसकी प्रैक्टिस फिर से कर लीजिए सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेटस मीट इन नेक्स्ट वीडियो टिल द टाइम कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब आवर चैनल